Assalamu alaikum Guru Gang, welcome back. This is Guru Wala Girgir Shuru. Hope you guys are having an amazing day just like the other day. So basically जो आप लोग मेरा पहला वाला जो व्लॉग देख चुके हैं वो जो मेरी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, तो जजाकल्ला खैर फॉर द विशेज एंड उनके तरफ से भी भाई सबको शुक्रिया बोल रही है कि भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और रही बात दूसरी, अभी हम लोगों के दोस्तों की एक गैदरिंग होने वाली है, तो माशाल्लाह से हम लोग है 2002 बैच के, ISJ स्कूल के हैं, तो हमारे बैच के बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो जिद्दा में रहते हैं मगर कोई ना कोई काम के कारण, कोई ना कोई बिजनेस ट्रिप्स के कारण, कोई ना कोई अदर एक्टिविटीज़ के कारण और फिर अपने फैमिलीज़ की वजह से हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सिर्फ व्हाट्सअप के थ्रू पे या हम कॉन्टैक्ट करते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। बहरहाल मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं, मिलना नहीं हो पाता पूरों का एक साथ, तो बोले कि भाई नहीं इस बार प्लान आउट करेंगे और पूरे मिलके मिलेंगे, पूरे बैठेंगे, लेट्स हैंग आउट, मगर वीकेंड में नहीं करेंगे, वीकडे में करेंगे, क्योंकि वीकेंड में फिर फैमिली हो जाती यार, फिर कोई ना कोई नहीं आता, कोई ना कोई आ जाता। तो अब हम जा रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं लीड लिया हूँ, तो भाई इसी बात के ऊपर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो, जो नहीं करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो। तो मैं बोला कि भाई मैं ऑर्गेनाइज़ करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ बंदों को जो बनाते हैं बेहतरीन तरीके से। अब आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मंदी अलग होती है, मजबूत अलग होता है, मद भी अलग होती है, ज़ुरबियानी एक ऐसी चीज़ है जो लोग ज़्यादातर दावतों में शादियों में रखते हैं और इसमें स्पेशल बकरा आता है हरेरी, ठीक है। अब हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर चीज़ों की तैयारी हो चुकी है, चलेंगे चलो। तो बेसिकली यही आज ना जो हमारी गैदरिंग है, ये देखो आप, ये भाई साहब की ज़ुरबियानी बनने वाली है, समझ गए ना। तो यहाँ से आप वैरायटीज हैं बकरे के, मगर हम यहाँ से नहीं लिए, स्पेशली लेके आए। भाई साहब बहुत तेज़ है भागने के चक्कर में। ये एक जगह है कंदरा में, ठीक है, जहाँ पे बकरे आपको लेके आना है और वो आए बाद से यहाँ पे वो लोग कट करते हैं। पूरा डिपार्टमेंट है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त है। तो हमेशा से जिसको भी जब भी दावत करना है और अगर खुद से प्रिपरेशन करना है तो भाई ये वो जगह है जहाँ पे आप बकरा खरीद के लाओ और ये लोग जुबा करके माशाल्लाह से पीसेस करके देते हैं आपको। तो बेसिकली इस तरीके से डॉक्टर्स चेक करते हैं कि भाई बकरा सही है या गलत है। अगर बकरा ख़राब रहा दे विल नॉट अलाउ यू टू टेक इट, दे विल थ्रो इट, यू हैव टू बाई अनदर वन एंड इट विल बी अ फाइन इफ यू गेट द नेक्स्ट टाइम सिमिलर वन। बट ये है कि बहुत अच्छा है, टेक्निक है बहुत अच्छे तरीके से, ये है कि भाई यू आओ यहाँ पे, हॉस्पिटल के डॉक्टर रहते हैं, दे विल चेक एंड दे एग्री एंड खलास। तो बकरा रेडी हो चुका है कट के, अब जा रहा है पकने के लिए। तो बेसिकली ये है कि ये है हमारा 2002 का बैच ISJ का और बहुत अरसे के बाद पूरे मिले हैं। तो ये देख रहे हैं आप 30 जनों की गैदरिंग है जिसमें से भी और 4 जने नहीं आए, तो खाना लगने वाला है, खाना खा लेंगे, खाना खा लिए वैसे फिर वन बात करेंगे, भूख दबा के। हाँ खाली है, ये YouTube पे जा रहा हूँ, जो सब्सक्राइब नहीं करे जरा भाई लोग इधर देख लो कैमरे के तरफ, पीले लाइट में पूरे गोरे दिख रहे। भी छोटा ही है, ये तो शादाब दिख रहा है। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सी गैदरिंग हो गई, बहुत सारे दोस्त आए और चले गए एंड इट वॉज रियली फन। ये हमारे अमीन भाई है, तकरीबन समझो कि 20 साल तो हो गए होंगे जिद्दा में, बहुत जने नहीं मिले इनसे, मिलना चाह रहे तो भाई साहब अभी जिद्दा में हैं, बहुत अच्छे खासे टाइम ट्रीटमेंट है तक है ना, और 2 हफ्ते के लिए। और हमारे आबिद भाई, भाई साहब को अगर फॉलो करना है मार्केटिंग के लिए, ही इज़ द राइट गाय टू गेट द इन्फो। और हमारे भाई साहब लॉजिस्टिक्स में है शायद ना, कंस्ट्रक्शन डेट्स टिंडर वाले नहीं। और ये हमारे भाई साहब, भाई आपकी कंपनी का नाम बोलो, छोड़ो यार नरफ्रेंड हो गया ना।
कोई बात नहीं भाई, इनको याद रखना, लेफ्ट द ग्रुप। तो बेसिकली यही है कि सब दोस्तों का एक मकसद बना हुआ है कि भाई साल भर नहीं मिलते अपने अपने कामों में, बट एक बार महीने में या छह महीने में एक बार मिले और पुराने यादें ताजा करना। चलो बाकी की बात घर जाके करेंगे। वेलकम बैक। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई हम आगे घर और चेंज कर लिए। नहीं भाई, वो कहानी कल की थी। कल हम खाना खा के जब घर के पास आ गए थे वापस, तो मेरा मोबाइल फोन लगा हुआ था गिम्बल के अंदर, और हमारी गलती थी कि हम गिम्बल को सीधा नहीं पकड़े, टेढ़ा पकड़े, और वो डोर बंद करते वक्त फोन गिम्बल से निकल गया। और ये देखिए, टूट गया फोन, डिस्प्ले चला गया। और अब हम ये थे कि भाई मूड ऑफ हो गया, कि भाई रात में मोबाइल फोन टूट गया, अब क्या करेंगे। तो खैर, अल्लाह ताला की मर्जी है कि भाई जो होना है तो होना है, और होने को कोई टाल नहीं सकता। बट ये है कि हमारा काम एहतियात करना है। हम एक बेवकूफ़ी करते थे इसके ऊपर, हम वो जो आता ना नैनो कवर, जो स्क्रीन का गार्ड, वो नहीं लगाए, छोड़ दिए उसको, लाइट ले लिया, क्योंकि दो बार भी लगाए थे निकल जा रहा था, तो मैं छोड़ दो। इतने टाइम से फोन कवर में होता था, मेरा फोन हमेशा से इस तरीके से कवर में होता, ठीक है, और जब मैं गिम्बल में लगाता हूँ तो तभी निकालता हूँ, और उसके बाद हम लगाना भूल गए, और हम बोले यार चलो ऊपर जाके कर लेंगे। और देखो आप, छोटी सी चीज़ कैसी भारी पड़ गई। तो यही है कि यार, मतलब कभी भी ना, इससे एक चीज़ समझ में आती है कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर करना है ना, तो उसको ना नज़रअंदाज नहीं करते, अरे हाँ बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं भाई, आपको पता नहीं कि क्या होगा बाद में, फौरन तब का तब आपके दिमाग में है, ठीक है, जब कभी आप कर लो। इसलिए बोले ना हमारे गांधी जी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। तो यही फॉर्मेट के ऊपर रहा करो भाई लोग, जो भी चीज़ लाइफ में कर रहे, और जो भी आपके साथ होती है, अच्छी हो या बुरी हो, ये सब आपके नसीब में, मगर आपका काम है एहतियात बरतना। और माशाल्लाह से गैदरिंग बड़ी अच्छी रही यार, बहुत टाइम से पूरे दोस्त एक साथ मिले बैठे, सब जने एंजॉय करे, बहुत जने कॉम्प्लीमेंट दिए, और मैं आई एम श्योर कि बहुत जने नीचे भी कमेंट करके बताएंगे कि भाई कैसी थी गैदरिंग। और अगर आप लोगों को भी ऐसी गैदरिंग करना है तो भाई इट्स वेरी इजी, डेडिकेशन और प्लान होना चाहिए। बस छोटा सा प्लान करिए, अपने अपने दोस्तों को जमा करिए, और महीने में एक बार यार ऐसी गैदरिंग में पीस ऑफ माइंड, सुकून से बैठो, खाओ पियो और चलते बनो। बट ये है था कि इंसान अपने मोबाइल फ़ोन, अपने एक्टिविटीज़ से हट के, हाँ मेरे से गलती हो गई क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों के साथ, तो इस वजह से आप लोगों को बता रहा था। बट वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे, हार्डली शायद 3-4 घंटे के, 3-4 घंटे में शायद ही 1 घंटे के लिए मोबाइल को यूज़ करा होगा, बाकी एवरी वन लाइक डिस्कसिंग, टॉकिंग, मतलब एक दूसरे के बारे में जान पहचान की क्या क्या करना है, क्या कर रहे हैं, कौन अभी करंटली कौन सी कंपनी में है, तो ऐसी चीज़ें बातें चलती रही। और अब ये है कि भाई हम लोग फ़ोन बनाने के लिए ले गया था आज, तो वो बोले कि भाई 950 रियाल का डिस्प्ले है। मैं बोला भाई साहब 950 रियाल का डिस्प्ले है और लगाने के लिए कुछ 50-60 लगेंगे। मैं बोला नहीं साहब, सीधा सीधा ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, और ऑनलाइन डिस्प्ले जब आएगा तो वो दैट्स फॉर 200 और $210, और डिलीवरी फ्री है। तो यही है कि भाई लोग, लव यू ऑल। तो अब जाऊँगा डिस्प्ले, इसको दलाऊँगा मैं, और दला के फिर आप लोगों के साथ कंटिन्यूटी में रहूँगा, और नहीं भी करूँगा तो मेरे पास दूसरा फ़ोन है बाय द वे, और वो भी फोन का कैमरा अच्छा चल रहा है, बट डिस्प्ले दिला लेंगे। आप लोगों को क्या करना चाहिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और ये बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप मेरे के टिकटॉक के वीडियोस देखना चाह रहे तो ये है, और अगर आप मुझे डेली फॉलो करना चाह रहे तो ये स्नैप है, और अगर आप मेरे बेहतरीन से क्लिक्स देख रहे तो फॉलो मी ऑन दिस इंस्टा। लव यू ऑल, टेक केयर, सलाम अलैकुम।